चुका है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सरिता का। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, हो गई है सुबह की शुरुआत। आप लोगों को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। और हमारी वीडियो की स्टार्टिंग हुई है चूल्हा जलाने के साथ। तो हमने चूल्हा जला करके रख दिया है कटहल पकने के लिए, और इधर ले आए थे सारे मसाले, तो इनको हमने पीस लिया है। और थोड़ी से चावल और मटर की दाल थी, उसको हमने शाम को भिगो दिया था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ बनती है, आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो नहाना धोना हमारा हो चुका था, तब जो है यहाँ पर चूल्हा जलाने से ही वीडियो स्टार्ट किया था। और इधर हमारा जो है कटहल पक चुका है, और आप लोग जो है बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही प्यारा वीडियो है, फुल एंजॉय करिए। और सबसे पहले सुबह का बना लेते हैं खाना, और उसके बाद में बाकी के काम होंगे। और आज डेट है 14 जुलाई, और दिन है रविवार। और चाय भी हमारी पक चुकी थी, और इधर जो है थोड़ा सा दूध भगोने में था, तो उसको हमने रख दिया है उधर, तो पकता रहेगा। और इधर जो है छौंक देते हैं कटहल। और इसको काफ़ी देर पकाने के बाद में अब डाल देंगे पानी, तो सूखा नहीं बनाएंगे। सूखा बहुत कम ही बनता है हमारे यहाँ, ज़्यादातर जो है रसेदार ही बनता है, जो कि हम आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। और अब इसको जो है बंद कर दिया है। और उसके बाद में डालने आ गए थे कपड़े, तो यहाँ पर बैठा था बाज, तो वही जो है काफ़ी दूर था, तो हमने थोड़ी सी क्लिप इसकी ले लिया है। और काफ़ी शांत से बैठा हुआ था आराम से। और फिर नीचे आ गए थे कपड़े डालकर, और जो है साथ में आयांश के भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर उनको भी करते रहते हैं। और इधर हमारी सब्जी पक चुकी थी, और कटहल की और सिंघाड़े की सब्जी जो है थोड़ा सा कालापन आ ही जाता है। और यहाँ पर फिर जो है फिर हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि काम करने लग गए थे फटाफट। हम आज जो है सोच रहे थे कि खेत जाएंगे, संडे है तो शायद जाने को मिले, लेकिन आज बुआई हो रही थी खेतों पर, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पर कपड़े खाना बनाने के बाद में फिर बर्तन धुले थे, और कपड़े जो है धुल लिए थे, इनको लेकर आ गए थे छत पर, डाल दिया है। और उसके बाद में जो है चूल्हा ठंडा हो गया था। बीच बीच में वीडियो का भी काम रहता है, जैसे कि हम आप लोगों तक डेली डालते हैं, तो थोड़ा बहुत सारा काम रात में नहीं, कभी कभी नहीं हो पाता है, तो दिन में भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है चौका भी हमारा चूल्हा ठंडा हो गया था, तो इसकी राखी भर लिया है, और अब जो है इसकी कर देते हैं पुताई। और एक हमारी बहन ने पूछा था कि ये जो ईंटा चूल्हे में लगाती हो, इसको क्यों लगाती हो? तो इसके पहले भी जो चूल्हा हमारा था, वो भी ऐसे ही बना हुआ था, सिर्फ जो है उसमें पाइप नहीं लगा हुआ था, तो उसमें भी लगाते थे, क्योंकि जैसे कि जब कभी कदार ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ एक तरफ ही चूल्हे पर रखना होता है, तो उधर काफ़ी ज़्यादा आग निकलती, आँच निकलती रहती है, तो जब उधर ईंटा लगा देते हैं तो फिर जो है आँच नहीं निकलती है, तो एक ही तरफ, वैसे ज़्यादातर दोनों तरफ ऐसे ही इंतजाम करते करके ही खाना चूल्हा जलाते हैं, ताकि हम दोनों तरफ बराबर रखते रहें। तो कभी कदार के लिए ऐसे ही वो ईंटा रख लेते हैं, तो जैसे कि नहीं कोई चीज़ रखने वाला है उधर, तो फिर हम ईंटा लगा देते हैं, तो उधर जो है आँच नहीं निकलती है, तो इसी वजह से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूल्हे की हमारी पुताई हो चुकी है, और अभी नीचे की रह गई है, तो उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। और कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने जो बाहर पुताई किया था, वही मिट्टी हमने काफ़ी डाल रखी थी, तो यहाँ पर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा है,
तो उसी से पुताई करें, क्योंकि सुबह जो है वहाँ पर किया था तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसके बाद में ऐसे ही बाल्टी रख दिया था, तो यहाँ की कर दे रहे हैं। और आज हमने जो है सुबह से दोपहर तक फटाफट से काम निपटा लिए थे, क्योंकि आज हमको खेत जाना था जैसे कि पहले हमने आप लोगों से बताया, लेकिन फिर जो है इनको दूसरे खेत में ट्रैक्टर वगैरह आ गया था तो बुआई करने चले गए थे, क्योंकि उड़द और मूंग वगैरह तिल जो होते हैं सफ़ेद तिल वो बोए जाते हैं हमारे यहाँ, तो उनकी बुआई होने यानी करने चले गए थे, तो फिर हम नहीं जा पाए क्योंकि खेत हमारे यहाँ आप लोगों से बताते हैं काफ़ी दूर हैं, अकेले नहीं जा सकते हैं। फिर पुताई करने के बाद कोई वीडियो नहीं शूट किया था। और यहाँ पर है सुबह का टाइम, यानी आज ही वीडियो आप लोगों तक आएगी, तो आज ही सुबह का टाइम है सोमवार का। तो आयांश कह रहे हैं कि मम्मा जो है हम स्कूल जो उस दिन रोल बनाया था वही हम लेकर के जाएंगे, उनको ये बहुत पसंद आए थे तो हमने कहा चलो बना देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लाल नमक और हींग जीरा नमक मिर्च का पिसा हुआ तीखा नमक था वो भी हमने डाल दिया है। आप जो है टाइट आटा लगा करके रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी देर रख देंगे तभी जो है ये सेट हो जाएगा, अच्छे से बनेंगे रोल। और ये कढ़ाई में पानी जो है रख देते हैं, तो ये गर्म होता है तब तक जो है आटा जो हमने लगाया है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में फटाफट से लंच तैयार करते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और यहाँ पर जो है 15-20 मिनट हमने रख दिया था और साथ साथ में खाना भी बनाते जा रहे थे, क्योंकि उनको भी सुबह सुबह जो है अब ड्यूटी बहुत कायदे की लगी हुई है हमारी, सुबह दोनों लोगों के लिए कुछ ना कुछ तैयार करना होता है। और वैसे खाना जो बनाते हैं वो हम लोगों के लिए भी हो जाता है और इनके टिफिन के लिए भी हो जाता है, सिर्फ जो है आयांश को देखना होता है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ये नहीं ले जाएंगे वो नहीं ले जाएंगे। और यहाँ पर जो है छोटी छोटी लोई हमने काट लिया है और इनको एकदम जैसे कि रोटी बेलते हैं बस वैसे ही बेल लेंगे, और ज़्यादा ना ही तो पतला करेंगे और ना ही मोटा रखेंगे, मीडियम का रख लेंगे। और उसके बाद में ये ले आए हैं पेंसिल, तो इससे ही बनाया था उस दिन और आज भी बना रहे, तो उस दिन नहीं शेयर कर पाए थे। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा करके चिपका देंगे, नहीं तो पानी में डालेंगे तो ये खुल जाएंगे। और खाने में सच बताएं बहुत ही मस्त लगते हैं, सब लोगों को बहुत पसंद आए थे। और यहाँ पर देखिए सारे हमने रोल बना लिया है और कुछ छोटे बड़े हो गए हैं क्योंकि 2-3 बार हमने बनाया था। और देखिए बीच में जालीदार बनकर के तैयार हो चुके हैं। और इधर तेल जो है इसमें थोड़ा सा पानी में डाल देंगे, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, एकदम खौलने लग गया था, तब इसमें रोल डालेंगे। और ठंडे पानी में नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर वो जो है बेकार हो जाएंगे। और यहाँ पर तेज आंच कर दिया है हमने और इनको जो है अभी नहीं चलाएंगे, अभी पकने देते हैं। इधर हमने टमाटर और प्याज, इधर 2 हरी मिर्च कट कर लिया, ज़्यादा नहीं कट किया है क्योंकि जो है आयांश के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। और उधर जो है नमक भी हमारा थोड़ा सा तीखा था जो रोल में हमने डाला था। और यहाँ पर देखिए रोल भी हमारे ऊपर आ चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ऊपर नीचे कर देंगे तो नीचे वाले जो है ऊपर पक जाएंगे। तो इनको जो है पकाने के बाद में, और जब सारे रोल हमारे तैरने लग गए थे तो थोड़ी देर पकाने के बाद इनको उतार लिया है, अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और उसके बाद में जो है ठंडा कर लेते हैं। और आप लोगों को बताते भी जा रहे थे लेकिन जो है वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो गई थी, इस वजह से हमने वॉइस हमको म्यूट करना पड़ा। और यहाँ पर जो है वही कढ़ाई हमने धो लिया है रोल वाली ही, और इसमें जो है डालेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, उसके बाद में थोड़ी सी हींग डाल दिया है, और फिर डालेंगे ये कटी हुई मिर्च, और उसके बाद में ये प्याज। तो थोड़ी देर जो है प्याज को पका लेते हैं। इधर जो है हमारा प्याज हल्का सा पक चुका है, अब डाल देंगे जरा सी हल्दी,
ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। और उसके बाद में ये डाल देंगे टमाटर। उधर जो है हमारे जब तक टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे हैं तो इनको जो है रोल को काट लेंगे, और छोटे छोटे पीस में कट किया था और इधर दिखा रहे थे कि बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं, जब पक जाते हैं तो चिपकते नहीं हैं। इधर सारे रोल हमने कट कर लिया इस तरह से, और देखिए बिल्कुल नहीं खुले हैं, अंदर जालीदार जैसे बने हुए हैं, तो एकदम खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। और इधर जो है हमारा मसाला यानी कि जो टमाटर वगैरह डाले थे, और इसी में जो है ये डाल देंगे रोल। सबको हमने अच्छी तरह से मिला दिया है और थोड़ी देर इनको जो है फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें जो मसाले हमको बाद में ऐड करना है तो वो बाद में ऐड करेंगे, थोड़ी देर पका लेते हैं पहले। यहाँ पर जो है इनको फ्राई करते हुए हमको 10 मिनट हो चुका है, और देखिए एकदम खिले खिले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब डाल देंगे इसमें मैगी मसाला, और नमक जो है थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने रोल में डाला था। ये डाल देंगे चाट मसाला। और दोस्तों सच बताएं एकदम गजब का नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो सारी चीज़ें हमने डाल दिया है, सिर्फ जो है धनिया की कमी रह जाती है क्योंकि धनिया इस टाइम नहीं मिल रही है। और तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर पकाने के बाद में उतार लिया है, और आयांस को थोड़े दे देते हैं, खा लेंगे और थोड़ा सा फिर टिफिन में कर देंगे, तो ठंडे हो जाएंगे तब टिफिन में कर देंगे और अपना लेकर के चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। हमारे प्रिय साथियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है अब आयांस चले गए थे, फिर जो है यहाँ आ गए हैं रोटियाँ बनाने के लिए, तो जो आटा हमारा रह गया था तो उनकी रोटी सेंक लेते हैं। और हम जो है कमेंट आप लोगों के याद कर लेते हैं, और पहले याद रहते थे लेकिन अब जो है पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। अब हमने सोचा है कि आप लोगों के जो है कहीं नोट कर लिया करें, और वॉइस करते समय थोड़े बहुत वीडियो में भी बताते जाया करें, तो अच्छा आप लोगों को भी लगेगा और जो है हमारे रिप्लाई भी जो है थोड़ा सा कम पड़ जाया करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ही ब्लॉग के साथ। आप लोग हमेशा खुश रहें, जहां कहीं से हमारी वीडियो को देख रहे हैं भगवान से यही प्रार्थना है। और ये क्लिप हमने जो है पहले की ऐड कर दिया है क्योंकि जो है बात हमारी थोड़ी करने को रह गई थी। तो दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार दोस्तों।